दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे टीवीएस ऐप के बारे में। बहुत सारे व्यूवर्स का कमेंट आ रहा था कि सर हमने टीवीएस क्रेडिट ऐप से जो ईएमआई सर्विस से एक मोबाइल ले लिया है, ईएमआई पर ले लिया है, लोन ले लिया है। तो दोस्तों कई सारे व्यूवर्स का कमेंट आया था कि स्टेटमेंट कैसे निकालना है, व्हाट्सएप नंबर क्या है और एग्रीमेंट नंबर कहाँ से मिलेगा, ये सारी डिटेल मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ईएमआई कैसे पे करना है, ये सारी कुछ डिटेल्स है जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखना। दोस्तों हमारे इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर और भी ऐसे ही वीडियो आएंगे। और पहले ही हमने यहाँ पर 10 वीडियो यहाँ पर डाले हुए हैं टीवीएस ऐप के बारे में, जो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप कई सारे वीडियो देख सकते हो जो हमने यहाँ पर डाले हुए हैं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप टीवीएस ऐप से या सर्विस से कोई ईएमआई पर फ़ोन ले लिया है तो आप प्ले स्टोर में जाइए, और प्ले स्टोर में जाने के बाद टीवीएस क्रेडिट ऐप इसे इंस्टॉल कीजिए अपने फ़ोन में। तो यहाँ पर इंस्टॉल कर देने के बाद यहाँ पर मैं आपको सारी प्रोसेस बताऊँगा कि इसमें आपको स्टेटमेंट कैसे निकालना है, एग्रीमेंट नंबर कैसे मिलेगा, ये सारी प्रोसेस इस वीडियो में बताऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा ऐप प्ले स्टोर में इंस्टॉल हो चुका है। तो इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पर ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर जो अपना नंबर जो रजिस्टर किया था, जो आपने ईएमआई पर फोन ले लिया था या लोन ले लिया था, उस वक्त आपने जो भी नंबर दिया था वो नंबर आपको यहाँ पर डालना है, उस ऐप में डालना है, और मैं आपको बताऊँगा प्रोसेस। तो दोस्तों कई सारे व्यूअर्स क्या करते हैं, अलग नंबर डाल देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपका जो भी रजिस्टर नंबर नहीं है तो आप दूसरा भी नंबर डाल के यहाँ पर रजिस्टर हो सकते हो। उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले ऐप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर एक्विप्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अलाउ कर दीजिए सारी परमिशन को, और उसके बाद नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पर आपको लैंग्वेज दिखाई देगी, आप चाहे तो कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। मैं इंग्लिश कर देता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। इसके बाद आपको मैं बताऊँगा यहाँ पर इस पेज में आपको बहुत सारे यहाँ पर लॉग इन करने का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप यहाँ पर अपना जो रजिस्टर नंबर है यहाँ पर फिल करेंगे, लॉग इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जो आपका रजिस्टर नहीं है तो आप रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर रजिस्टर भी कर सकते हो। जो अपना नंबर रजिस्टर नहीं है, कुछ डिटेल्स फिल करके अपना नंबर रजिस्टर भी कर सकते हो। रजिस्टर करने के लिए आप रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना नेम, यहाँ पर लास्ट नेम, यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करके आप अपनी प्रोफाइल सेट कर सकते हो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। तो यहाँ पर हमने पहले से ही यहाँ पर रजिस्टर नंबर है, तो यहाँ पर हमारा नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। तो इस तरीके से अपना जो भी नंबर रजिस्टर किया हुआ है, जो आपने यहाँ पर लोन लिया था उस नंबर दे के, तो वहाँ पर आपको नंबर फिल करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है। तो सही ओटीपी डालेंगे और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। गलत ओटीपी डालोगे दोस्तों तो यहाँ पर आप नहीं हो पाएंगे, नेक्स्ट स्टेप पर नहीं जाओगे, तो इसलिए आप सही ओटीपी यहाँ पर फिल कीजिए। तो मैं यहाँ पर ओटीपी डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं ओटीपी एक बार डाल के देख लेता हूँ और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने ओटीपी डाला है गलत डाला है, इसलिए मेरा इस तरीके से आ रहा है। तो आपको क्या करना है, सही ओटीपी यहाँ पर आपको फिल करना है। गलत ओटीपी डालोगे तो आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको एरर आ सकता है, इसलिए आप सही ओटीपी डालिए। और डालने के बाद आप नेक्स्ट कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ऐप है यहाँ पर अलाउ करने को बोलेगा, तो आप अलाउ कीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट कीजिए। कोई और ऐप पर आपको ज़्यादा छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ नेक्स्ट करते जाइए और यहाँ पर आपका जो पेज है यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जो ऐप है ओपन हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर इनेबल नाउ वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो इस तरीके से आप बैक आ सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कई सारे यहाँ पर आपको फीचर्स दिए हुए हैं, तो मैं आपको एक एक करके सारे फीचर्स के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर आपको एक साइड में लोगो दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर टीवीएस क्रेडिट ऐप का एक लोगो है, और साइड में आपको वेलकम लिख के आ रहा है, अपना नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, और उसके बाद यहाँ पर लास्ट लॉगिन डेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। साइट में आप देख सकते हो यहाँ पर अपनी डेट है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर इंस्टा लोन यहाँ पर लिख के आ रहा है, तो आप यहाँ पर लोन भी अप्लाई कर सकते हो लोन के लिए। तो अप्लाई ना वो वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर लोन भी ले सकते हो। तो यहाँ पर कई सारे फीचर्स है, तो उन सारे फीचर्स के बारे में बताऊँगा एक एक करके, तो वीडियो को कम्प्लीट देखना दोस्तों।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो होम पेज पे कई सारे फीचर्स है। तो सबसे पहले मैं आपको इंस्टा लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर आपको लोन मिल सकता है, कितना भी लोन मिल सकता है, चाहे आप टू व्हीलर के लिए फोर व्हीलर के लिए लोन लेना चाहते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, पूरी स्टेप दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपको कैसे करना है, तो एक एक स्टेप आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर अपनी कुछ डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी होती है। दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर आपको कोई यहाँ पर पहला लोन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको लोन मिल सकता है जब अपना लोन क्लियर होने के बाद ही मिल सकता है। तो पहला आपके यहाँ पर लोन होगा तो यहाँ पर आपको लोन नहीं मिल सकता, इसलिए आपको पहला लोन कंप्लीट करना होगा, उसके बाद यहाँ पर अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले ऑप्शन पर आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है कि जहाँ पर आप टू व्हीलर थ्री व्हीलर या किसके लिए आप लोन लेना चाहते हो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। चाहे तो आप थ्री व्हीलर टू व्हीलर कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो जो अपना अपने को लेना है। तो यहाँ पर आप कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप भी कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो अपना अपने को जो लेना है। तो उसके बाद आप यहाँ पर एक नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर अलाउ करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप अलाउ कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपको जो ऑफर्स है, जो टू व्हीलर्स के लिए कौन से ऑफर्स है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जितना लोन चाहते हो आप, कौन सी बाइक के लिए कितना लोन चाहते हो, इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपको यहाँ पर वन टाइम पेमेंट, डाउन पेमेंट, आपको कितना पेमेंट करना होगा, सारा कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप साइड में भी देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको पिन कोड फिल करने का ऑप्शन मिल जाएगा, स्टेट आपको डालने का ऑप्शन मिल जाएगा, सिटी यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी होती है, और यहाँ पर आपको लोन मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। बाद दोस्तों आपको लोन नहीं लेना है तो आप बैक आ जाइए और यहाँ पर आपको पहले नंबर के ऑप्शन पर ईएमआई कैलकुलेट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर पहले नंबर के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे ईएमआई कैलकुलेट, तो वहाँ पर क्लिक करके आप ईएमआई कोई भी कैलकुलेट कर सकते हो बहुत ही आसानी से, आपको ये पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आप अमाउंट कितना यहाँ पर आप लेंगे तो यहाँ पर आपको ये यहाँ पर अमाउंट सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद जो अपना कितने दिन तक आप ईएमआई पे करने वाले हैं तो ये आपको सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पर आपको सारी यहाँ पर कैलकुलेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पर इस तरीके से आप सेट करके कोई भी ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए जितना अमाउंट आपको यहाँ पर चाहिए, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद आप यहाँ पर कितने मंथ के लिए आप यहाँ पर ईएमआई पे करने वाले हैं तो इस तरीके से आप सेट कीजिए, और सेट करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से मैं आपको सेट करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हो दो नंबर के ऑप्शन वाले आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है, कितने दिन तक कितने मंथ तक आप यहाँ पर पे करने वाले, 12 मंथ मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। चाहे तो आप कितने भी मंथ के लिए यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, अपने हिसाब से यहाँ पर आपको अमाउंट कैलकुलेट होके दिख जाएगा। तो यहाँ पर मैं 12 मंथ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंस्टा रेट आप कितने परसेंट पे आप लोन यहाँ पर लेंगे, तो यहाँ पर आप कैलकुलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे कि आप 12 मंथ के लिए ईएमआई लोगे कितना लोगे, तो यहाँ पर आपको कितना परसेंट का देना होगा, ये सारा कुछ डिटेल यहाँ पर आपको कैलकुलेट होके आएगा। तो इस तरीके से आप इस कैलकुलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस तरीके से कैलकुलेट भी कर सकते हो दोस्तों, तो ये बहुत ही अच्छा फीचर से आप इस्तेमाल भी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको बैक आना है, और बैक आने के बाद आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरा भी एक ऑप्शन से फाइंड यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप किसी भी तरीके का लोन लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जो अपना डिस्ट्रीब्यूटर है या आप कोई भी यहाँ पर फाइंड कर सकते हो जो अपने एरिया में कौन सा आपको लोन मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं टू व्हीलर के लिए मैंने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर मेरे जो भी लोकेशन में यहाँ पर अवेलेबल है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से इससे आप इस्तेमाल कर सकते हो कि अपने एरिया में कहाँ पर ये टीवीएस ऐप से आप कहाँ पर लोन ले सकते हो, इस तरीके से लोकेशन मिल जाएगा आपको, तो लोन लेने के लिए आप यहाँ पर जा सकते हो। तो इस तरीके से आप इसे इस्तेमाल भी कर सकते हो।
दोस्तों ये भी कमाल का फीचर है, क्योंकि यहाँ पर आप डायरेक्टली आप लोकेशन देख सकते हो कि आप किस तरीके का लोन लेना चाहते हो, और आपको यहाँ पर जाकर आपको लोन मिल जाएगा। और आप बाइक लेना चाहते हो तो यहाँ पर भी आप ले सकते हो बहुत ही आसानी से, जो चाहे वो आप यहाँ पर ले सकते हो। आप ट्रैक्टर लेना चाहते हो या आप फोर व्हीलर लेना चाहते हो, जो आपको एरिया में कोई भी लोन दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, तो आप वहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो हमारे एरिया में कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखा रहा है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बैक आएंगे, तो बैक आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि आप किसी भी अपने दोस्त को यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो, और आप 500 रुपये के यहाँ पर EMI छूट भी पा सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आप उस बंदे का, अपने फ्रेंड्स का यहाँ पर आपको रजिस्टर करना होता है, और रजिस्टर करने के बाद आपको 500 रुपये तक यहाँ पर EMI छूट मिल जाएगी। तो दोस्तों ये भी बहुत ही अच्छा फीचर्स है कि यहाँ पर भी आप पैसा कमा सकते हो कुछ अच्छे तरीके से आप फ्रेंड्स को रजिस्टर करके। तो यहाँ पर उस बंदे को भी लोन मिल जाएगा कि यहाँ पर आप उसको लोन देके भी आप पैसा कमा सकते हो। बहुत ही आसान एक तरीका है, तो इसे आप इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। तो उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, TVS क्रेडिट सर्विस आपको कई सारे ऑफर्स देती है, जो आपको यहाँ पर ऑफर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कई सारे ऑफर्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप कई सारे ऑफर्स देख सकते हो, नए नए ऑफर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करके आप उस ऑफर्स का लाभ ले सकते हो। बहुत ही अच्छे यहाँ पर फीचर्स दिया है, तो इससे भी आप किसी भी तरीके का आपको लोन मिलता है या कोई डिस्काउंट मिलता है, तो यहाँ पर आप ऑफर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके देख सकते हो। दोस्तों क्विज वाले ऑप्शन पर आपको ये ज़्यादा कुछ आपके काम का है नहीं, तो इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो कुछ यहाँ पर कंपनी ने जो फीचर दिया है, तो ये आपको तो कुछ काम का नहीं है। तो यहाँ पर क्लिक करके दोस्तों आप यहाँ पर जो अपना EMI जो अमाउंट है यहाँ पर पेंडिंग है या है, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों। उसके बाद आपका EMI का स्टेटस आपको चेक करना है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। यहाँ पर क्विकली स्टेटस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आप यहाँ पर अमाउंट आपने कितना लिया था, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कैसे चेक करना है मैं आपको बता दूँ, तो यहाँ पर आप क्विक स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आपको कुछ यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देगा, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो भी अपना EMI पेंडिंग है, तो यहाँ पर आपको पेंडिंग वाले ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर अपना जो भी EMI सारे यहाँ पर कट गए हैं, तो यहाँ पर साइट में दिखाई देंगे कि जिस तारीख में आपका EMI कटा था वो आपको साइट में दिखाई देगा। पेंडिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका जो भी पेंडिंग है अवेलेबल है, कितना चार्जेस आपको लगाए, तो यहाँ पर साइट में भी दिखाई देगा। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो दोस्तों। दोस्तों TVS लोन लेने के बाद आपको कोई भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप यहाँ पर इंक्वायरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आपको एक नंबर दिखाई देगा कंपनी का, तो यहाँ पर आप डायल करके यहाँ पर कोई भी आप पूछताछ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके जो स्टेटमेंट के बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट एग्रीमेंट ID यहाँ पर आप कर सकते हो, और उसके बाद यहाँ पर आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो आपको जो भी आपने EMI पहले लिया था उसके बारे में आपको स्टेटमेंट निकालना है। तो आप कई सारे यहाँ पर क्वेश्चंस आप यहाँ पर पूछ सकते हो। यहाँ पर आपको कॉल करने का ऑप्शंस भी दिया हुआ है। एग्रीमेंट नंबर देखना है तो यहाँ पर आप भी देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस है, यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो अपना EMI कैंसिल करना है या आपको WhatsApp के थ्रू आपको कोई उनको मैसेज करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हो। ईमेल करना चाहते हो तो ईमेल भी कर सकते हो। कॉल करना चाहते हो तो कॉल का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप WhatsApp वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप WhatsApp भी कर सकते हो। तो यहाँ पर अपना EMI कैंसिल करना चाहते हो या आप कोई भी यहाँ पर जानकारी चाहते हो, इस प्रकार से आप ले सकते हो। तो WhatsApp वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप WhatsApp पर क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद उनके तरफ यहाँ पर मैसेज आएंगे, तो आप वहाँ पर जाकर कोई भी पूछताछ कर सकते हो, अपना EMI कैंसिल भी कर सकते हो, EMI के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। तो WhatsApp के थ्रू भी आप इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों आपको, लेकिन दोस्तों आपका नंबर रजिस्टर होना चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो, कोई भी इंक्वायरी आपको करना है, आपको कॉन्टैक्ट करना है तो यहाँ पर आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको कॉन्टैक्ट करने का ऑप्शन भी दिखाई देगा, तो यहाँ पर आप ईमेल करने का ऑप्शन भी है। तो दोस्तों आपको कोई भी यहाँ पर अनइंस्टॉल करना है ऐप को, तो आप इसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो इस तरीके से आप पूरी जानकारी यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा नॉलेज मिल चुका होगा, कि मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको बताई है। तो दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आपको कोई भी और वीडियो देखना है तो TVS ऐप के बारे में, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में कई सारे लिंक्स दिए इसके बारे में, तो आप वहाँ पर जाकर वीडियो को देख सकते हो।
दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम की लिंक दिए, उस पर जाकर आप डायरेक्टली मुझे DM कर सकते हो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।